नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। हर रोज एक खोज। गीता हूं, कुरान हूं मैं, गीता हूं, कुरान हूं मैं, मुझको पढ़, इंसान हूं मैं, चेहरों के इस जंगल में खोई हुई पहचान हूं मैं। राजेश रेड्डी के ये शब्द हमें गणतंत्र दिवस पर एहसास करा रहे हैं कि क्या हम अपनी पहचान भूलते जा रहे हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और इस समय मैं हूं गुड़गांव के लेजर वैली में। मेरे पास इस समय देश के वो नौजवान, वो युवक जो झंडा लेकर यहां पर गणतंत्र दिवस पर आए हैं और एक संकल्प लेने। जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये जो आपने आज झंडा उठाया है, ये झंडा हमेशा सलामत रहे और ऐसे ही लहराता रहे, क्या कहेंगे आप, क्या संकल्प है? संकल्प मेरा यही है कि वी शुड हेल्प ईच अदर। जो हमारे भारतीय लोग हैं, उन भारतीय भाई बहन जो हैं, उनके साथ भाई बहनों जैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। सब साथ बढ़ के आगे चलेंगे तो ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। सो मेरा यही संकल्प है, सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सब मस्त रहें और स्वस्थ भी रहें। जी बताइए, क्या नाम आपका? अंजलि। अंजलि, ये बताइए कि आप फिटनेस करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह का आपने फिटनेस की, क्या विचार आया है आपका? आज गणतंत्र दिवस है तो आज हमने एक स्पेशल सेशन किया था, पर आज कुछ नया नहीं था। हम रोज आते हैं यहाँ पे, रोज की बातें हैं हमारे लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि रोज़ की बात सबके लिए रहे। ये नहीं हो कि आज सिर्फ गणतंत्र दिवस है तो आज चलो बाहर चले, झंडा उठाए और सोशल मीडिया पे डाले। दिस शुड बी अ रूटीन, दिस शुड बी अ लाइफस्टाइल। अपने लिए, अपने परिवार के लिए सबको वर्कआउट्स करने चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। बच्चों को जितना आप इनक्रेज कर सकते हो उनको स्पोर्ट्स में डालिए। एंड नॉट जस्ट physically but mentally also you have to be healthy, you should be strong. तो व्यायाम सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है। People are so stressed these days, अपना गुस्सा यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, लड़ाई झगड़े, तो mental stress also you know should be relieved. और वर्कआउट से बेटर कुछ नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं। कितनी सुंदर बात कही है कि देशभक्ति सिर्फ एक दिन का नहीं है कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस पर, ये हमारे व्यवहार में आए, पल पल हम देशभक्ति से ही सराबोर रहे। जी बताइए, क्या शुभ नाम आपका? निशु। निशु, पिंक कलर आपको पसंद है क्या? बहुत। क्यों कलर पसंद आई है? क्योंकि पिंक मीन्स लाइक समथिंग विच इज़ मोर वाइब्रेंट, सो आई फील दैट इट इज़ अ कलर दैट ब्राइटन्स एवरीबडी। क्या कहेंगी, गणतंत्र दिवस पर हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, क्षेत्रवाद में बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट द यूथ इज़ ऑल अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंट्री। आई थिंक इंडिया से ज़्यादा टॉलरेंट कंट्री कोई नहीं है, सो वी शुड एक्चुअली यू नो एज अ यूथ वी शुड नॉट पे अटेंशन टू दीज थिंग्स, रादर थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई यू नो संकल्प, इफ़ यू टॉक अबाउट, देन आई थिंक पर्यावरण की तरफ सतर्कता वो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम, नॉट जस्ट फॉर आर कंट्री, फॉर द ग्लोब ऑन द होल। सो वी एज अ यूथ आई थिंक कैन टेक अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एंड प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि हम सब आगे की जनरेशन्स के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। आप लगाती हैं वृक्ष? बिल्कुल लगाते हैं, हमारे घर में लगाते हैं, बट अब मैं चाहती हूँ कि एज अ ड्राइव इसको पिकअप किया जाए एंड वी ऑल वर्क टूवर्ड्स इट। चलिए, एक ये संकल्प आ रहा है कि किस तरह से आपको पर्यावरण न केवल अपने घर के लिए बचाना है बल्कि जो बाहर है, विदेशों में बसे हुए जो सात समंदर पार हैं वहाँ पर भी बचाना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो पूरे विश्व पर हो रहा है। जी आप बताइए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर जो आज आपने ये झंडा उठाया है, इस झंडे की शान हमारी शान बनी रहे, क्या संकल्प? हर साल की तरह इस साल भी मैं यही संकल्प करना चाहूँगा कि मैं एक जागरूक भारत का निर्माण करूँ, स्वस्थ भारत का निर्माण करूँ। जय भारत। 70th गणतंत्र दिवस आप सभी को बहुत मुबारक हमारी तरफ से। सभी को मुबारक। तो सभी का एक ही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा।
तो हमारा हिंदुस्तान को सुंदर बनाना हर व्यक्ति का काम है और इस गणतंत्र दिवस पर इस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे, सबका यही कहना है। तो आप देखते रहिए ब्रॉडकास्ट मंत्रा।